My emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you? My heart's more than a toy. Please go easy on me, baby Send message after message. Forward my calls. Next day you hear me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be. अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सब आई होप कि आप सब ठीक होंगे आज की वीडियो में मैं आपके साथ दरियाई नीलम नथिया गली और पेट्रियाटा की टूर भी शेयर करूंगी और उसके साथ साथ मैं आपको कंप्लीट मरी टूर की गाइडलाइन भी दूंगी और उसके साथ अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूँगी और उसके साथ कितनी कॉस्ट बियर करनी पड़ती है अगर आप मरी टूर के लिए जाते हैं उसकी भी कम्प्लीट डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूँगी तो वीडियो को उसकी नहीं करिएगा तो चलें स्टार्ट करते हैं और यहाँ सबसे पहले हम पहुँच गए थे दरियाई नीलम में और अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो वो भी ज़रूर विज़िट कर लें और उसमें मैंने आपके साथ माल रोड की टूर भी शेयर की है और उससे पहले पैकिंग की वीडियो भी है अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उनको भी ज़रूर विज़िट कर लें और अगर आपको पसंद आए तो लाइक भी कर दें तो यहाँ पे पहुँच गए थे जी दरिया नीलम में और इंतहाई खूबसूरत दरिया है बहुत ही खूबसूरत इतना खूबसूरत यह नज़ारा है कि अगर आप चले जाते हैं तो आप बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं और पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ होता है और बहुत सारी फ़ैमिलीज़ यहाँ पे विज़िट करती हैं और आपको बहुत ज़्यादा रश तो नहीं मिलता लेकिन ये है कि कभी कभार दिनों में बहुत ज़्यादा रश भी होता है और कभी कभार इतना रश नहीं होता और अगर वेदर की बात की जाए तो आजकल यहाँ पे गर्मी होती है लेकिन पानी काफ़ी ठंडा होता है और इसलिए हम लोग भी यहाँ पहुँच गए थे और पहुँचते ही फिर बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे थे और जाहिर ने भी बच्चों को साथ लिया और पानी में हम लोगों ने थोड़ी देर घूमे फिरे और पानी को इंजॉय किया और अपनी पिक्चर्स वग़ैरह बनाई कुछ वीडियोस वगैरह बनाई और काफ़ी इंजॉय किया और ये दरिया की अगर बात की जाए तो ये दरिया बिल्कुल नदी की तरह का लग रहा होता है और लेकिन इसका पानी का जो बहाव है वो बहुत ही तेज़ होता है और इतनी शदीद पानी की आवाज़ आ रही होती het die uh, जो कि बाज़ बच्चे तो जब जाते हैं फर्स्ट टाइम तो एक दफ़ा तो बच्चे डर जाते हैं लेकिन यह है कि जब बच्चे देखते हैं कि सभी दरिया के अंदर खड़े हैं और सभी पानी में इन्जॉय कर रहे हैं तो फिर बच्चे भी काफ़ी हद तक इन्जॉय करने लग जाते हैं और जब आप दरियाई नीलम से वापसी के रास्ते पर चलते हैं तो ये दरिया काफ़ी टाइम तक आपके साथ साथ चलता है और बिल्कुल ये रोड के साथ है और रोड पर कोई भी बैरियर नहीं लगा होता लेकिन यह है कि रोड बहुत ही अच्छी बनी हुई है और अगर ओवरऑल मरी की बात की जाए तो मरी की हर रोड बहुत अच्छी बनी हुई है तो इसलिए अगर आप मरी टूर के लिए जाते हैं तो रोड का किसी भी किस्म का आपको मसला पेश नहीं आता और यहाँ पे हमने दरिया नीलम पे काफी इंजॉय कर लिया था और यहाँ पे यह है कि दरिया के अंदर ही उन्होंने चारपाइयाँ बिछाई हुई हैं लोग जाके वहाँ बैठते हैं खाते हैं पीते हैं इंजॉय करते हैं और हमने भी इसी तरह से किया और उसके बाद हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो गया था और दरियाए नीलम के बाद हम जाएंगे जी पेट्राटा और पेट्राटा में चेयर लिफ्ट है आप वहाँ जा के आराम से चेयर लिफ्ट इंजॉय कर सकते हैं और अगर आप पहली दफ़ा मरी टूर करना चाहते हैं तो उससे पहले अगर ये आप वीडियो देख रहे हैं तो ये बहुत ही नॉलेजेबल होगी आपके लिए मैं इसमें कम्प्लीट सारी डिटेल शेयर कर देती हूँ आपके साथ और दरियाए नीलम से पेट्रियाटा का सफ़र काफ़ी लंबा है तकरीबन एक घंटा आपको वहाँ पहुँचने में लग जाता है लेकिन यह है कि रोड इतनी खूबसूरत है कि आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आती और बैरियर भी नहीं लगे हुए हैं रोड पे, लेकिन यह है कि फिर भी रोड अच्छी होने की वजह से और इतने अच्छे नज़ारे होने की वजह से आप बहुत ज़्यादा इस रोड पे भी ट्रैवल करते हुए एंजॉय करते हैं जाने का असल मजा यही है कि आप ट्रैवल करें और जहां आपको बहुत अच्छा नज़ारा नज़र आए आप गाड़ी रोकें उतरें वहां पे उन चीज़ों को फ़ील करें उनको देखें और आप बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाते हैं और इसके बाद यहां हम पहुंच गए थे पेट्रियाटा और यहां पे हम इंजॉय करेंगे जी चेयर लिफ्ट और उसके बाद फिर अगला सफ़र होगा हमारा नथिया गली और अगर पेट्रियाटा में मौसम की बात की जाए तो सितंबर अक्टूबर में यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं होती बल्कि बहुत नॉर्मल सा ही मौसम होता है और उसके बाद यहाँ पे खूब एंजॉय किया और खूब इन्जॉय करने के बाद जी हम निकल गए थे नथिया गली के लिए और जैसे ही नथिया गली का रास्ता स्टार्ट होता है तो आपको जगह जगह इस तरह से ये शॉल्स वगैरह लगी हुई मिल जाती हैं आप रुकें अगर आप यहाँ से शॉपिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रुकें और शॉपिंग भी इंजॉय करें और इसी तरह से हम भी जगह जगह रुकते हुए जा रहे थे और उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ मरी की कोस्ट की कि अगर आप मरी ट्रैवल के लिए जाते हैं आज के दिनों में अगर मैं आज की मैं ई को मद्देनजर रख के आपके साथ शेयर करूँ तो अगर आप मरी विज़िट के लिए जाते हैं और आप वहाँ पर टू नाइट्स स्टे करते हैं तो तकरीबन आप लोगों का फिफ्टी थाउजेंड आप लोगों का एक्सपेंस आ जाता है और ये फिफ्टी थाउजेंड एक्सपेंस इस तरह से आता है कि अगर आप खाना वगैरह घर से काफ़ी बना के ले जाते हैं और वहाँ से अगर आप वहाँ पे तीन टाइम या दो टाइम बाहर से ही खाना खाते हैं तो फिर आपका जो एक्सपेंस है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और अगर आप अपना खाना वगैरह घर से बना के ले जाते हैं और या स्नैक्स कोल्ड ड्रिंक्स इस तरह की चीज़ें आप अपने घर से बना के ले जाते हैं तो फिर मरी के टू डेज़ टूअर का टू नाइट स्टे का जो टोटल एक्सपेंस है वो तकरीबन फिफ्टी थाउजेंड आ जाता है और इसकी थोड़ी सी से सेग्रीगेशन भी मैं आपको करके बता देती हूँ अगर आप फैसलाबाद से मरी ट्रैवल कर रहे हैं तो आपका अगर फ्यूल की बात की जाए तो तकरीबन आपका फ्यूल ट्वेंटी थाउज़ेंड का आपका फ्यूल लग जाता है अगर आप अपनी कन्वेंस में सफ़र कर रहे हैं और अगर आप लोकल जाते हैं तो फिर तो मुझे ये लगता है के शायद लोकल तो आपका इससे भी ज़्यादा लग जाता है और और अगर बात की जाए वहाँ पे स्टे की तो अगर आप माल रोड पे जाके कोई भी रूम बुक करते हैं तो वहाँ पे रेट्स थोड़े से कम हैं तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो हम लोगों ने थ्री बेड रूम लिया था क्योंकि दो बच्चे थे और मैं और जाहिद थे तो उसका अगर उसके मैं आ, रेंट की बात करूँ तो वो तकरीबन था एट थाउजेंड पर नाइट था जो कि सूटेबल था और यहाँ हम पहुँच गए थे नथिया गली और नथिया गली के अगर वेदर की बात की जाए तो नथिया गली में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है अगर मैं पूरे आ, मरी का कंपैरिज़न करूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा नथिया गली में सर्दी फील हुई और नथिया गली का वैदर बहुत ही सर्द होता है और उसके बाद जी वहाँ थोड़ी देर इन्जॉय किया और उसके बाद वहाँ हमें सुनने में ये आया कि यहाँ से थोड़ा सा तकरीबन पास ही एक आबशार है तो हमने उसके बारे में कुछ भी नॉलेज लिए बगैर या गूगल से कुछ भी सर्च किए बग़ैर हमने वहाँ का सफ़र स्टार्ट कर दिया और रोड बिल्कुल टूटी हुई थी और बहुत ही ख़राब रोड थी लेकिन ये है कि हम निकल चुके थे और खैर अगर आगे से आपको अच्छा नज़ारा मिल जाए तो फिर कोई सारी थकन दूर हो जाती है लेकिन ये था कि जब हम उस आबशार पर पहुँचे तो वो आबशार भी बस कुछ इतनी ख़ास नहीं थी बस हल्का फुल्का सा पानी था और थोड़ी सी ये इस तरह से जानवर वगैरह फिर रहे थे तो इसलिए अगर आप भी मरी टूर के लिए जाएं तो ये आबशार जाने का रिस्क बिल्कुल भी ना लें क्योंकि यहाँ देखने के लिए कुछ भी नहीं है और उस, न, उसके बाद जी ये नेक्स्ट डे था और यहाँ पे हमने वापसी की तैयारी कर ली थी और सारी पैकिंग दोबारा से हो गई थी सुबह सवेरे उठते ही हमने सारी तैयारी कर ली थी और बच्चों को तैयार किया खुद तैयार हुए और उसके बाद वापसी के लिए निकल गए थे लेकिन ये है कि बहुत मज़ा आया अपने बच्चों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया पूरी फैमिली ने मिलकर बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया और बहुत सारी अच्छी यादें स्मेटी और उसके बाद वापसी का सफ़र ले लिया अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल और वीडियो को भी शेयर भी कर दिया करें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर किया करें क्योंकि आपके लाइक की वजह से ही यूट्यूब वीडियो को प्रमोट करता है तो, तो चले मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज